कम हो, ऐसी मेडिकेशन आई हमारे वक्त में तो बहुत ऐसी मेडिकेशन थी कि बहुत सी परेशानी थी। तो ये बात मैं इसलिए आपको बोलता हूं कि ये डिसीजन कौन लेगा, आपको लेना है। आपको कौन से रास्ते पे जाना है वो आपके कॉन्शियस माइंड से इंट्यूटिव माइंड का कॉन्टेक्ट करके आपको कुछ डिसीजन लेना है कि मुझे ये ट्रीटमेंट ऐसे कर सकता हूँ। ऐसी बात हम डायबिटीज की करो। देखो डायबिटीज के दो अभिगम है, आपको डायबिटीज को समझना है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डायबिटीज प्लीज? मेडिकेशन लेते हैं सब, ठीक है चलो। तो आपको समझना है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कोई रेमेडी नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं आपकी कॉन्शियसनेस रेज कर रहा हूँ। अभी आपको समझना है कि मुझे क्या करना। मुझे भी डायबिटीज 30 साल पहले पता चल रहा था कि मेरे शरीर में भी शुगर मेटाबॉलिज्म लो है, मैं जानता था 30 साल से। मैंने कोई गोली नहीं ली, कोई अप्रोच एलोपैथिक का लिया नहीं है, कोई टेस्ट तो कराता ही नहीं हूँ, फिर भी आई एम फाइन, मुझे कोई बॉदर नहीं करती शुगर। क्यों? मैं वो बताना चाह रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि हमारा पैनक्रियास का दो फंक्शन है, एक को बोलते हैं एंडोक्राइन फंक्शन और दूसरे को बोलते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन में क्या आता है? इंसुलिन। हमारा जो बीटा सेल आते हैं, अल्फा सेल है, वो क्या करते हैं? इंसुलिन बीटा वाले बनाते हैं, अल्फा वाला ग्लूकोकेन बनाते हैं। हमारा एलोपैथी का अप्रोच क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम पे आधारित है। वो ऑनेस्टली वो तुम्हारे डायबिटीज पर कुछ नहीं कर सकते, करते ही नहीं है। वो तो ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं, शुगर, ब्लड ग्लूकोज की शुगर को मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म को ठीक रखते हैं। चलो और मैकेनिज्म क्या है दूसरा? पेनक्रियास और क्या बनाता है? वो बनाता है पेनक्रियाटिक जूस। उसमें चार एंजाइम्स है, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। एक एंजाइम ऐसा है कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जो नहीं पचा, वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। एक और एंजाइम ऐसा है कि हमारी जो फैट है, जो लीवर से हमारा जो कनेक्शन है पित्त बाइल से, वो एक एंजाइम भी रिलीज करता है जो फैट पचाने में मदद करता है। और दो एंजाइम ऐसे है कि हमारा बचा हुआ जो प्रोटीन नहीं पचा उसके लिए दो एंजाइम पैनक्रियास में से निकलते हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो तुम्हारा जो डायबिटीज है ना, वो क्या है? इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। वो कोई शुगर का मायना रखता ही नहीं है, शुगर इज अ कॉन्सिक्वेंसेस। तुम्हारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो आप क्या करते हैं? शुगर का प्रॉब्लम होते हैं। आप क्या ठीक करते हैं? शुगर का मेटाबॉलिज्म ठीक। अच्छा, उसकी अच्छी बात यह है कि इट इज वेरी इजी, क्योंकि एक गोली सुबह ले लो एक शाम ले लो ठीक हो जाए। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है, उसका जो डाउन साइड है वो है कि आपने क्या किया, देखो ये शुगर की जो गोली आप लेते हैं ना, ये गोली क्या है, क्या तो ये हमारा जो बीटा सेल को एक्टिवेट करके शुगर को पास करने का रास्ता करती है, ग्लूकोकेन को कम बनाने का बना करती है, वरना बहुत इंसुलिन बनाने का काम करती है, ऐसी कुछ ये दवाइयां है। लेकिन ये शुगर ब्लड में नहीं गया तो कहाँ तो गया ना? आपने शुगर तो ले ली है, आपने तो ये शुगर को ब्लड में नहीं जाने दिया तो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा शरीर में? वो जहाँ जाएगा उसका रोग होगा। इसलिए हमें पहले शुगर का मरीज को हृदय रोग होता है पहले, फिर उसको क्या होता है, आईज का प्रॉब्लम, न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी शुगर, ज्यादा शुगर तो है शरीर में, आपने तो क्या किया, ब्लड में नहीं जाने दिया। क्या शरीर में तो है ना? आप तो खाते हैं, जलेबी भी खाते हैं, मैंने देखा। तो क्या हुआ, शुगर तो गई तो आपको डैमेज जरूर करेगी। इसलिए तो क्या होता है, हर दफे आप जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, डोज को बढ़ाना पड़ता है। किसी का कम हुआ भाई? किसी का कम डोज कम हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
गलत रास्ते पे आप जा रहे हैं। क्या करना है? कम होना चाहिए। नहीं होता तो क्या होगा, 20 साल के बाद 25 साल के बाद आपको एक भयंकर बीमारी का नौता मिल जाए। तो जागो, क्या करना है? अब मैं मेरा रास्ता बता दूं तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या किया। मैंने डायबिटीज पर क्या काम किया, मैंने चरक ऋषि का फिलोसॉफी लिया। चरक ऋषि ने क्या बोला, 3000 साल पहले बोला कि हमें शरीर में मधुमेह, जो मधुमेह होता है ना, उसके पहले क्या होता है, प्रमेह होता है। प्रमेह बन होने के बाद ही मधु प्रमेह हो सकता है। तो उसने बोला प्रमेह, प्रमेह शब्द का अर्थ एलोपैथी में कुछ नहीं है, हम रफली स्पीकिंग उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक, बट इट इज नॉट ट्रू। क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो उसका ऋषि ने बोला कि ये उसका 20 प्रकार है मधु प्रमेह। कितने प्रकार के हैं? 20 प्रकार है, उसमें से 10 प्रकार ऐसे हैं जो कब से होते एंड ऑल आर क्योरेबल। 6 प्रकार ऐसे हैं जो पित्त से होते हैं, पित्त की एबनॉर्मालिटी शरीर में हो जाए तो उससे होते हैं, इट इज वेरी हार्ड टू क्योर बट इट इज पॉसिबल। और 4 ऐसे हैं जो वात से होते हैं, इज इनक्योरेबल। ऋषि वॉज वेरी फर्म इन हिज डिसीजन बिफोर 3000 ईयर बैक। हमने क्या किया, हमने प्रमेह को ही ठीक किया, हमने मधु प्रमेह तो हुआ ही नहीं, न बजेगा बांस न बजेगी बांसरी। तुम मधु प्रमेह ना होने दो, हमने हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ऑर्डर में ले लिया, दैट्स इट। अभी भी आज कर सकते हैं आप, भले दवाई लेते हो, अरे आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करो तो दवाई कम होनी चाहिए, बस कम हो जाए तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। दवाई ले लो कोई बात नहीं, पर लेकिन डे बाय डे आपकी दवाई कम होनी चाहिए, वरना आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अच्छा, हमने क्या किया, हमने पहले क्या किया था कि शुगर को लिया ही नहीं। हमको पता चला 30 साल के पहले तो हमने व्हाइट शुगर को तिलांजलि दे दी, व्हाइट शुगर को निकाल दिया, हमारा 50% काम तो वहां ठीक हो गया। तो मानव जात का दुश्मन है ये व्हाइट शुगर। अब व्हाइट शुगर तो हमारे कल्चर में ऐसी हो गई कि हम प्रसाद में भी व्हाइट शुगर का उपयोग करते कल्चर में ओतप्रोत हो गई है। सोचो, सोचने की बात है, देयर आर मेनी मेनी ऑप्शंस, आप कर सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एक और बात, ये प्रमेह को ठीक करने का तरीका क्या है, व्यायाम। एक, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, रेगुलर। चलना है तो चलने का रेगुलर होने जाए, खाना है तो खाने का रेगुलर होना जाए। आपका लाइफस्टाइल रेगुलर है तो डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगा, शुगर अपने आप ठीक हो जाएगा। एक और बात, रसों का बैलेंस करो। हमारा आयुर्वेद बोलता है हमारे मधुर रस ज्यादा है ना आपको, तो कड़वा रस से कोई और रस से आप बैलेंस कर दो। उसका एक साइंस है जो हम इस्तेमाल करते हैं। दवाई की कोई जरूरत नहीं, हम दवाई लेते ही नहीं है, कोई दवाई नहीं, नो वन, फिर भी होता है। और हम भी जलेबी खाते हैं, कुछ भी नहीं होता। क्या हुआ, क्यों हमने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक किया ना, हम क्या मेरे मधुप्रमेह तो प्रमेह होगा बाद में, मधुप्रमेह तो होता है ना, तो हम तो आपको यो बोलते हैं कि प्रमेह को तो ठीक कर दो, प्रमेह को ठीक कर देंगे तो मधु प्रमेह नहीं होगा, और हो गया है तो भी यू कैन कम बैक, और आपका मेडिसिन कम हो जाए ये उसकी प्रूफ है कि आपने सही किया है। 90% पीपल आर टेकिंग अननेसेसरी मेडिकेशन टू माय अंडरस्टैंडिंग, 90%। ओके, सेम थिंग वो हमारे ब्लड प्रेशर में है, ब्लड प्रेशर भी ऐसा ही है। देखो, हम ब्लड प्रेशर हमारा 130-90 करीब 15 साल से चलता है, उसके पहले 120 ऐसी के आसपास रहता था, अब थोड़ा आगे बढ़ा है, हम कोई गोली नहीं देते। तो देखो, ये एलोपैथी का जो अभियान है एक ऐसा है,
कि वो लोग क्या करते हैं, वो पैरामीटर को एक, क्योंकि वर्चस्व तो कंपनी वालों का है, उसको तो मेडिकेशन बेचना है, तो वो लोग क्या करते हैं, ये पैरामीटर को रिड्यूस करते हैं। 1970 में बीपी का जो पैरामीटर था 170-110 था, 1980 में उसको कम करके 160-110 किया, 1996 में वो पैरामीटर बदल दिया उसने और 126-126-90 बना दिया, 2003 में वो पैरामीटर उसने कम कर दिया और वो कम करके 126-90 पे आ गए, फिर 120-80 आ गए, अभी तो उसने थोड़ा कम किया है, 115-75 किया है। क्यों? ये करने से 10-15% पेशेंट बढ़ जाते हैं। आप बोलेंगे तो हम किसके पर विश्वास रखें? एक बात समझो, ये अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ये सब संस्था है, पैसा कहां से आता है? आप बस एक ही सोचो, उसका 90% पैसा फार्मास्यूटिकल कंपनी और फूड इंडस्ट्री में से आता है, 90%।